अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, पिछली जमात में या पिछले लेसन में जो है मैं आपको पहले सबक के ऊपर जो है मुसलसल मालूमात दे रहा हूँ। अब पहले सबक में जो है अपना सबक नंबर वन जो है कसी से शक्ल ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन, उसके अंदर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो है जो ज़रब और तकसीम आ रही है वो थोड़ा लेंथी टाइप की है, मतलब थोड़ा टफ है वो, यानी ज़रब करना है, तकसीम करना है। तो अक्सर बच्चों को ये है इसमें डिफिकल्टी होती है कि इस तरह की हम तकसीम कैसे करें, इस तरह की तकसीम कैसे करेंगे। तो मिसाल तौर पर आपको एक मैंने वीडियो भेजा था, उसके अंदर बताया था, एक मिसाल दिया था, चार सवा साढ़े दो है, चार सौ साढ़े दो को पचहत्तर से तकसीम करना है, ऐसी प्रॉब्लम है ना। अगर चार सौ से किसी को बोले तकसीम करने को, पचहत्तर से वो इजीली कर लेना, लेकिन ऐसे अशारिया वाले पॉइंट वाले अगर नंबर आ जाए या उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो ये थोड़ा काम जो है मुश्किल होता है, थोड़ा आसान नहीं होता है। तो ऐसी डिफिकल्टीज को कैसे आसान किया जा सकता है, इसके लिए क्या करना है, हमें लॉग का इस्तेमाल करना है। लॉग का इस्तेमाल करके हम इस अमल को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये तकसीम वाला अमल बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह का जरब में रहा, जरब में कब जाता है इसका मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं, मुश्किल जरब आ जाती है। तो इस तरह की जो जरब है इसमें अशारिया है और बड़े आदाद है, बड़े अदब की जरब है ना। छोटे अदब तो बच्चे कर लेते हैं, जैसे 25 अरब 10 रहा, ऐसा आसानी में कर लेते हैं जबानी, लेकिन इस तरह की जो अशारिया वाले बड़े आदाद रहते हैं तो वहाँ बच्चे कैलकुलेटर को यूज़ करना शुरू करते हैं। जबकि अपने वो हमें ये कहा गया है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप इम्तिहान में कैलकुलेटर अलाउ नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी बड़ी जरब को आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लॉग का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, लॉगरिथम का इस्तेमाल करना है। अब जब यहाँ पर एक मिसाल लिया मैंने अपने टेक्स्टबुक की, एक मिसाल है, मिसाल क्या है, अब्दुल समद पर अमल करने वाली जमीन की कुव्वते कशिश मालूम कीजिए। अब्दुल समद पर अमल करने वाली जमीन की कुव्वते कशिश मालूम कीजिए, है ना। जो हमारा सबक चल रहा है और कुव्वते कशिश वो एक लड़का है और लड़के के ऊपर जमीन की जो कुव्वते कशिश है कितनी है वो मालूम कर सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है, हमें मालूम क्या दी हुई है, जमीन की कमियत दी हुई है। जमीन की कमियत है 6 × 10^24 किलोग्राम। जमीन का निष्पुत्र दिया हुआ है 6.4 × 10^6। अब्दुल समद की कमियत दी हुई है 75 किलोग्राम। और जी जो दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन किलोग्राम स्क्वेयर। अब ये अगर इंग्लिश में जो क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर वन, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा। यहाँ महिंद्रा दिया है, यहाँ पर अब्दुल समद का नाम दिया है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में महिंद्रा दिया है, और महिंद्रा इन द अर्लियर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर महिंद्रा के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन की वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जीवन में क्या है, मास ऑफ द अर्थ दिया है 6 × 10^24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 × 10^6 मीटर। और महिंद्रा की कमियत दिया हुआ है कितना, 75 किलोग्राम। और जी की वैल्यू दिया हुआ है ना। अब हमें जो है क्या मालूम करना है, हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ इज इक्वल टू जी एम, जो M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर।
ये किसका फार्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एम वन क्या है? मास ऑफ द, एम टू क्या है? मास ऑफ द महिंद्रा, और आर को हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ द अर्थ, कितना दिया है 6.4। अब इसमें ये वैल्यू रख के हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 टेन प्लस टू माइनस 11 इंटू एम वन की वैल्यू है 6 इंटू टेन प्लस टू 24, ओके, और एम टू कितना है? एम टू 75 किलोग्राम अपॉन आर कितना है 6.4 इंटू 10^6। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। इस तरह आप देखो अभी ये प्रॉब्लम ऐसा आप नॉर्मल हाल में अगर करना चाहेंगे कितनी प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्व करना, इसका आंसर निकालना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस बड़ी प्रॉब्लम को हम लॉगरिथम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हमें मैं भी ये करता हूँ, जो उर्दू मीडियम का जो क्वेश्चन है इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करें इसी से। अभी एफ की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एफ की वैल्यू ठीक है 6.67 इंटू 6 इंटू 75। अब जो 10 का पावर वाले जो नंबर है उनको एक साथ बोलता हूँ, 10^-11 इंटू 10^24 अपॉन, अब नीचे 6.4 10^2, ये जो ब्रैकेट टू द पावर टू है ये टू दोनों को जाएगा 6.4 को भी 10 को, तो 6.4 ब्रैकेट ऑफ टू इंटू 10^2, अब ये 6 है 6 × 12 10^12 है, ठीक है। अब देखो आगे 6.67 इंटू, अब इसको मुझसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ 6 × 5 = तो साइड में करेंगे देखो 6 × 5 = 30 30 के 0 कैरी ऑन 3 6 × 6 = 6 × 7 = 42 और 3 = 45 = 450। अभी देखो ये -11 और +24 ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है 10^-11 इंटू 10^24 यक्षाशास है और जरब में है, यक्षाशास है और जरब में है, अब तो कुवतें क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी, कुवतें क्या हो जाएंगी? जमा, दोनों का बेस क्या है? सेम है, इसलिए कुवतें जमा हो जाएंगी, तो -11 + 24 कितना हो जाएगा 10^13 हो जाएगा, ठीक ना 10^13 यार 10^13 आएगा, ये दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा 10^13 और 6.4 10^2 इंटू 10^12। अब देखिए 6.67 10^450 इंटू 10^2, अब ये 13 है ना, और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10^-12 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या रहेंगे 6.4 10^2 ब्रैकेट एस टू 2। अब देखो 10^12 था, ऊपर हमने इसको दिए तो -12 हो जाएगा, ठीक है, उसका लॉस ऑफ इंडेक्सेस क्या है n^m अपॉन n^-n, ठीक है, या ये यहाँ माइनस रहा यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं n^m रहा तो n^-n रहा, ये लॉस ऑफ इंडेक्सेस के हिसाब से 10^12 ऊपर जाके माइनस हो गया। तो अब देखो
क्या होगा, ये 13 और ये माइनस 12, 13 में से 12 नफी हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। अब इस 10 को 450 से ज़रब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ओके 6.4 × 10^2 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 10 बचा था, 10 बचा था, 10 को मैं 450 से ज़रब किया तो 4500 हो गया। अब ये जो है, ये जो है, अब इसकी अगर वैल्यू निकालने का है, यहाँ से मैं लॉग को यूज करूँगा, हाँ लॉग में से दोनों जान क्या लूँगा, लॉग लगाऊंगा, लॉग एफ इज इक्वल टू लॉग 6.67, ठीक है। अब ये ज़रब है तो लॉग का उसूल क्या है, अगर ज़रब रहा उसको जमा में तब्दील करो, लॉग 4500, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये नीचे डिवाइडेशन है, तकसीम है, तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लॉग 6.4 ब्रैकेट रेशियो टू, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डिवाइड में, डिवाइड में रहा तो माइनस में आएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हो, इस लॉग 6.67 देखना है, तो अब पॉइंट पहले एक अदद है, पॉइंट पहले एक अदद है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितने हो जाएंगे, 0, एक रहा तो 0, दो रहा तो 1, एक अदद कम उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे। अशारे के पहले अगर कितना, एक अदद रहा तो क्या हो जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगी, अगर दो रहा तो फिर एक कम रहेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, एक लॉग, लॉग का जो कॉलम है लॉगरिथम में 66 को 7 में देखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये लॉगरिथम है, आपको ये लॉग टेबल खरीदना पड़ेगा, मार्केट में मिलता है, यहाँ लिखा रहता है लॉगरिथम, इसके अंदर 10 से लेकर, ये पूरे 10 से लेकर 99 तक नंबर रहते हैं, और उसके कॉलम रहते हैं 0 से लेकर 9 तक कॉलम रहते हैं, उसके बाद में मीन डिफरेंस का भी कॉलम रहता है, हाँ। तो अभी हम देखो, ये जो नंबर है 66, ये पॉइंट को हम छोड़ देगा, पॉइंट है नहीं समझने का, 66 को 7 में देखने का, नंबर 66, तो ये 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 से तो फिर यहाँ तक कितना हुआ है 54, फिर 66 का आया है, देखो ये 66 आया है, ये 66 को 7 में देखा मैंने, कितना आया 66 को 7 में देखे तो 82.41, कितना आया 82.41 आया, ठीक है 82.41 आया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको 82.41, ठीक है। अब इसके बाद एक नंबर और रहना चाहिए, नंबर नहीं, अगर कोई नंबर रहता, चौथा नंबर रहता तो मैं मीन डिफरेंस के कॉलम में देखता था, चौथा रहता तो मीन डिफरेंस में देखता था, इसमें चौथा नहीं है, तीन ही अदद है, तीन ही अदद है, इसलिए सिर्फ 66 को 7 में देख के जो नंबर आया वो लिखेंगे, जमा लॉग। अब यहाँ पर देखो 4500 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 4500 अशारे 0 डाले तो अशारे के पहले कितने अदद है, 1, 2, 3, 4 चार अदद है, चार है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक कम करने का, तो कितनी हो जाएंगी 3, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएंगी 3। अब मैं 45 का सिफर में देखूंगा, 45 का सिफर में, तो देखो 45 है, ये 45 का सिफर में कितना है, 45 का सिफर में है 65 32, कितना है 65 32 है, तो 65 32 लिखा मैंने, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया नफी। अब ये जो है लॉग का उसूल क्या है, अगर उसके ऊपर कोई पावर 2 है तो ये पावर और नंबर जो है वो लॉग के साइड में आएगा, 2 log 64, ठीक है 2 log 64। अब मैं ये दोनों को जमा कर देता हूँ, ये जो दोनों की जमा कितनी हो जाएंगे देखिए, 0.8241 3.6532 3 7 7 8 14 81, ये कितना हो गया
4.4773, ठीक है। हाँ ये लिखेंगे 4.4773 नफी दो ज़रब। अभी ये इसका लॉग देखने का है, किसका अच्छा इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएंगी, आशारी के पहले एक अदद है तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएंगी, ज़ीरो। अब 64 का ज़ीरो में देखूँगा, 64 का ज़ीरो में किधर है ये 64, कितना है 64 का ज़ीरो में है 80 बासठ है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब 4.4773 नफी, अभी दो से इसको ज़रब करने का, दो दुनी चार, दो छः बारह, दो दुनी चार, दो छः बारह, बारह के दो हंसी के, दो सिफर सिफर और एक एक लगा देंगे, ठीक है, दो अठी सोलह, ठीक है। फिर देखो दो दुनी चार, दो छः बारह, बारह के दो हंसी के, दो सिफर सिफर और ये एक, दो अठी सोलह, चार अदद की पता शारिया, तो इसलिए एक दो तीन चार यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यह अदद में से इसको नफ़ी करूँगा, जो होगा फिर मैं लिखूँ यहाँ पर नफ़ी करने के लिए, तो यहाँ करता हूँ नफ़ी 4.7773, 1.6124, इसको नफ़ी करना है, तो तीन में से चार नहीं जाता तो इधर से लेंगे यहाँ 13 बनाएंगे, 13 में से चार गए तो कितना बचा 9, 6 में से दो गए 4, 7 में से एक गए 6, 6 में से चार नफ़ी नहीं होता तो मैं बाजू में से लूँगा, इसको बनाऊँगा 14, यहाँ बचेगा 3, 14 में से 6 गए 8, 3 में से एक गए 2, ठीक है। तो कितना आया 2.8649, 2.8649, ये क्या हुआ लॉग एफ, है ना। हमें एफ की कीमत निकालना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, आखिरी स्टेप है ये देखो, एंटी लॉग लूँगा, एंटी लॉग इसका एंटी लॉग ले लूँगा तो ये लॉग हट जाएगा, ये लॉग रिवर्स में जब आएगा तो उनको एंटी लॉग बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8649, ठीक है। अब इसको देख लेंगे फाइनल। अब एंटी लॉग जो देखना है, देखो एंटी लॉग का एक अलग रहता है, ये एंटी लॉग लिखा हुआ है देखो ऊपर एंटी लॉग। अब इसके अंदर भी आपको आशारिया 00 से लेकर आशारिया 49, फिर यहाँ पर आशारिया 99 तक रहता है, इसमें भी कॉलम रहते हैं 0 से 9 तक, और फिर मीन डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो अपना जो अभी है यहाँ पर ये आशार्य के बाद का देखना रहता है, एंटी लॉग जो है ना आशार्य के बाद का देखते हैं, और इसमें क्या है आशार्य 86.86 को 4 में देखेंगे, 0.86 को 4 में देखेंगे। तो देखो 0.86 है यहाँ पर, है मैं 86 निकाला हूँ ये 4 में, है ना। तो 4 में कितना है 7.3711 है। अब 9 मीन डिफरेंस निकालना है, 9 मीन डिफरेंस देखो, उसका मीन डिफरेंस कितना है 15, ये 15 डाल दिया, इसको जमा कर दें 7 2, है ना 3, 15 जमा करना है तो 6 हो गए, सॉरी ये कितना 6 2 3 3 7, ये आया। तो मैं लिखूँगा 7 3 3 2 6। अब देखो यहाँ पर आशार्य के पहले दो है, आशार्य के पहले दो नंबर है, दो रहा तो एक बढ़ा के आशार्य लगाएंगे हम, अब तीन कर देंगे, तीन के बाद आशार्य लगाएंगे, दो में एक जमा करेंगे तीन हो जाएगा, तो तीन के बाद 1 2 3 यहाँ पर, तो कितना हो गया 733, कितना आ गया 733। हाँ ये अपना जो है 733 न्यूटन, एफ कितना आ गया 733 न्यूटन। अब मैंने आशा पॉइंट के पास दो था इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने,
पॉइंट के बाद अगर 5 रहता या 6 रहता तो उसका एक हिसाब मिला के मैं लिख देता था, तो मैं 733 न्यूटन। तो कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द महिंद्रा, तो महिंद्रा के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी है, 733 न्यूटन। ओके, यह हमारा सब कंप्लीट हुआ। अब ऐसे एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिया है, इसके आज इसके पहले दिए, इसके बाद में भी ऐसे आप इसको सॉल्व करके लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।